नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश अंचल में हूं आपके साथ महेश जैन। आज हम बात करते हैं नीमच जिले के जावत तहसील के अंतर्गत आने वाले सरवाने लासुर मुख्य मार्ग की, जहां पर पुल बनाने के लिए शासन ने लाखों रुपए खर्च करे। 52 लाख की लागत से वैलर के ठेकेदार कैलाश नारायण दुबे को जनता की समस्या के समाधान के लिए पुल बनाने का ठेका दिया गया, लेकिन ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही का हर्जाना आज क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि अप्रैल 2018 में पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो अप्रैल 2019 में पूरा होना था, बावजूद अवधि खत्म होने के 6 माह बाद भी आज दिन तक पुल बनकर तैयार नहीं हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से निर्माण कार्य अधूरा लटका हुआ पड़ा है। इसके बावजूद जिम्मेदार ठेकेदार पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। कई लोग इस पुल पर हादसों का शिकार हो चुके हैं। लोग जान जोखिम में डालकर वहां से निकलते हैं। ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य शुरू करने के बाद से ही अभी तक 1.5 साल का समय हो चुका है, लेकिन साइड में बाईपास का रास्ता भी नहीं दिया गया, जिसके चलते लोग वहां हादसों का शिकार हो रहे हैं। राहगीरों को ठेकेदार की लापरवाही का हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। बावजूद जब एमपीआरडी से अधिकारियों से बात करी तो वहीं गोलमाल जवाब देते दिखाई दिए कि इस मामले को लेकर ठेकेदार से बात हो रही है, जल्द काम शुरू होगा। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि निर्माण पूरा होने की अवधि के 6 माह बाद भी आखिर ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करी गई? क्या कारण है कि एमपीआरडी के अधिकारी ठेकेदार को बचाने में लगे हुए हैं? और सबसे बड़ी विलंबना पूरे मामले में देखी गई, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, जनपद सदस्य, जिनको जनता ने उनकी समस्या की मुसीबत के समय काम आए इसलिए उन्हें चुना, लेकिन जनप्रतिनिधि किस तरीके से जनता की समस्या पर जवाब देते हैं, इसका नजर हम आपको सुनाएंगे। जनपद सदस्य ठेकेदार का पक्ष पूरी तरीके से लेते हुए दिखाई दिए, बल्कि उन्हें जनता के समस्याओं के समाधान के लिए आगे आना चाहिए। यहाँ पे जो नीमच लासुर जो मार्ग है, यहाँ पर देखा जा रहा है पुलिया 4 महीने में बननी थी, अभी तक पुलिया नहीं बनी। बारिश में जो हालात बने, लोग परेशान हैं। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? जनता परेशान है, क्या सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या स्थिति है? ये काम तो सही है, पर बारिश की वजह से ना कुछ सरकार की दिल्ली नीति से कारण रुका हुआ। चौथे महीने में जो पुलिया बननी थी, आज कम से कम 6 महीने ऊपर हो गए हैं। वो ठेकेदार बता रहा था कि इसको नीम खोदने के बाद रिपोर्ट नहीं मिली हमको काम चालू करने की, इसलिए 1 महीना तो वैसे लेट हो गए, नहीं फिर बारिश हो गई जो बन नहीं सका। यहाँ निकलने की क्या व्यवस्था है मुझे बताओ? बीच में हंगामे भी होते मलावदा रोड पे, यहाँ पे जो आसपास गांव लगते हैं, लासुर अगर जाना है तो किधर होके जाना पड़ेगा? यह तो कई जही लोग मलावदे बिने यहाँ के इधर उधर उधर निकली जाए, रुकी त्रिया है को नहीं मानक तो नहीं तो वहाँ बताओ, वहाँ कोई व्यवस्था करी ठेकेदार द्वारा निकलने की? बाईपास दी रखे हो, पर पानी के ऊपर निकली जो नहीं, थोड़ी मुसीबत तो रहे। जनता परेशान है नहीं इधर की? कोई मान तो परेशानी नहीं है। आप एक जनप्रतिनिधि है, वीडियो हमारे पास में किस तरह की महिलाएं उसमें गिर रही है गाड़ी पे निकलते, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, तो आपका क्या कहना है? जनता जो परेशान हो रही है, अच्छी बात है, होना चाहिए। नहीं, जनता तो परेशान नहीं है, सुविधा होनी चाहिए, वो तो सुविधा होना चाहिए। आप क्या करेंगे जनप्रतिनिधि? आपको भी चुना है, क्षेत्र की जनता परेशान है। तो हमने बोला नहीं ठेकेदार को कि ये बारिश खुलते ही नाला सूखने के बाद काम चालू कर देंगे? बारिश खुले अभी कम से कम 10 दिन हो गए, क्या वहाँ पुलिया का काम चालू हो गया? क्या नहीं हुआ? वो भारी परेशानी आ रही है, उड़ते मोटरसाइकिल से चलने निकल नहीं सकती, बैठ के और पैदल निकलने में भी गिर रहे मजदूर लोग ने, किसानी वर्ग के लोग निकलते हैं इधर, बाकी काफ़ी जमीन है हमारे धामने की इधर लासुर मार्ग पे, भारी परेशानी आ रही है। अभी हम माल ला नहीं सक रहे इस रोड से, हमारा माल कुएं भी पड़ा अभी तक न, भारी इस ठेकेदार की भारी गलती है जो इसने अभी तक काम नहीं चलाया। ये 4 महीने में पुलिया कंप्लीट होनी थी, अभी तक कंप्लीट नहीं। आपकी जनपद सदस्य है पन्नालाल जी, इनका कहना है कांग्रेस सरकार इसके लिए दोषी है। इसमें सरकार क्या करेगी? सरकार थोड़ी बता रही कि तुम काम लेट करो, ठेकेदार की गलती ने, कुछ विधायक साहब का भी ध्यान नहीं लगा रहे इस पे, जो नहीं तो उस पे फोर्स पड़ना था, उनको फोर्स डालना था नहीं कि ठेकेदार इन किसानों को, लासुर में कितने बच्चे पढ़ने जाते, हमारे धामनिया में हाई सेकेंडरी स्कूल है लासुर के करीब करीब, लासुर बांगरेट के 200 बच्चे पढ़ने आ रहे धामनिया में, तो भारी परेशानी, इतने इतने पानी में आ रहे हैं, गिर रहे हैं। क्या विधायक जी ने कभी आके इसकी सूद ली? किस तरीके विधायक इन 4 महीनों में धामनिया नहीं आया, तो क्या करेंगे? परेशान हो रहा है, अभी भी काम चालू हुआ पानी खुलने के बाद? नहीं चला, अभी 15 दिन हो गए पानी खुल गया, अभी तक कोई ठेकेदार ने सूद नहीं ली। तो आपके जनप्रतिनिधि है यहाँ पे, आपके विधायक और जनपद सदस्य जो है, वो क्या इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्या स्थिति है? जनपद सदस्य तो हमारे गाँव के हैं, पन्नालाल जी माली साहब, कुछ कर रहे हैं प्रयास इसके लिए? ठेकेदार जी के साथ है, ठेकेदार जी के साथ नशा से आ रहे हैं, सरवाने महाराज जा रहे हैं। इसकी शासन की मतलब लापरवाही है कि लोग मोटरसाइकिल से निकल नहीं सकते, यहाँ तक कि पैदल भी नहीं निकल सकते हैं। बीच में आके मोटरसाइकिल बंद हो गई तो खतरा रहता है जान का,
यदि यहाँ सड़क किनारे कोई लोग खड़े रहते हैं जो निकाल देते हैं, यहाँ कोई गिर जाते हैं, कोई पानी के अंदर ही, जैसे अभी भी हमारी मोटरसाइकिल बंद हो गई बीच में। कितने टाइम से अधूरा पड़ा होगा ये काम? ये काम 6-7 महीने से अधूरा पड़ा हुआ, एक साल से अधूरा पड़ा हुआ। तो कोई भी जनप्रतिनिधि वगैरह नहीं? कोई जनप्रतिनिधि देखने वाले नहीं है, ये आप है जो यहाँ की सुध-बुध ले रहे हैं, बाकी कितनी परेशानी हो रही है। क्या नाम है? बहुत परेशान है, बहुत सेट जाते हैं यहाँ से। हाँ। गड़ी पूछी मुसीबत आई रही मानी है थी। क्या प्रॉब्लम क्या होती समस्या यहाँ? पुलिया पटकी थी मान घणो दो हटा थी। तो क्या साथ में निकलने की कोई व्यवस्था नहीं करी? कई व्यवस्था नहीं की थी। कितने टाइम से अधूरा पड़ा है काम? गर्मी थी तो कोई सुन रहा नहीं, सुन रहा कोई नहीं, एक साल विवाह ही होते। यहाँ लोग निकलते तो क्या हालत बनते? सब हालत बन रही, दो तीन दिन दिन बापड़ा पड़ी गया, मैं मोटरसाइकिल जारी पड़ी गई, बहुत लगाया पड़ी गई बिचारिया, गाड़ी गाड़ी परेशान मेरा गाड़ी गाड़ी में। क्या ना? अच्छा अच्छा, एक्चुअली क्या है कि ये जो पुल की लागत जो है 54 लाख है, और इसका जो है अप्रैल में पूरा होना था, अप्रैल 2019 में कम्प्लीट होना था, बट डिले हुआ है ना, जल्दी से जल्दी पूरा अपन इसको करवाएंगे, कोशिश कर रहे हैं। वर्षा काल भी ख़त्म हो गया है, ठेकेदार को हमने निर्देशित कर दिया है कि जल्दी से जल्दी काम पूरा करें। नहीं नहीं, ठेकेदार को निर्देशित कर दिया है, क्योंकि वर्षा काल में अभी नहीं कर पाए थे, अब मैंने उसको निर्देशित कर दिया, वो सब व्यवस्थित करके और जल्दी से जल्दी कार्य को निपटाएगा। सर कब तक वहाँ काम शुरू हो जाएगा? सर मैं ये समझता हूँ इस वीक में शुरू हो जाना चाहिए। सर ऐसे में नहीं होता तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी, कार्रवाई तो होती है, जो नियम है, बाइंडिंग्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, वो फॉलो करने ही होते हैं।